हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और बार मेरे एकदम खतरनाक से वीडियो के अंदर। क्योंकि अगर आज की साले वीडियो के अंदर मैं आपको आपके स्नैपसीड ऐप का यूज करके आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, जो कि दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आप इसी टाइप की कमाल की एडिटिंग करना चाहते हो तो प्लीज यार इस चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज यार जल्दी जाकर वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आप कमाल की एडिटिंग को कर सकते हो। तो चलो भाई यार, यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका स्नैपसीड ऐप ओपन कर देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ओपन कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, बीच में प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपन जो गैलरी है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से गैलरी से यहाँ पर आपको अपना वो वाला फोटो सिलेक्ट कर देना होगा जिसको भी आप यानी कि एडिट करना चाहते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने ये वाला अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया और इसको भी मैं एडिट करने वाला हूँ। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, सबसे पहले कॉर्नर पर आपको एक पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाता है। सिंपल इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे सबसे पहले फुल आपको इस टाइप से नीचे आ जाना होगा और इस डबल एक्सपोजर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देंगे यहाँ पर छोटी सी गैलरी के आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ये वाले। तो सिंपल इस गैलरी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से एक बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। तो मतलब कि जो आप इस पर लगाना चाहते हो, मैं जो यहाँ पर ये एकदम लाइन और कार वाला लगाने वाला हूँ, सुपर कार वाला, तो ये वाला जो बैकग्राउंड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट कर देने के बाद अभी कुछ ओपेसिटी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ पर आपको 100% कर देनी होगी। सिंपल राइट में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई, इधर इतना काम कर देने के बाद अभी आपको ऊपर से लेयर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, यानी कि एडिट स्टैक्स और लेयर नहीं, इस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देखिए यहाँ पर व्यू एडिट्स में क्लिक कर देना होगा। तो व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सपोजर बीच में से ब्रश आपको ले लेने की। तो ब्रश लेने के बाद डबल एक्सपोजर की ये वाली साइज आपकी यहाँ पर 100% होनी चाहिए। और इस टाइप से अपने जूम इन करके और इस टाइप से अपने पूरे के पूरे यहाँ पर बैकग्राउंड पर आपको इसको ड्रॉ कर देना होगा। जैसे कि भी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इस टाइप से आप कर लेते हो तो फुल अपना एकदम मजे में आप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको फटाफट से करके मिलता हूँ आपको यहीं पर एक सेकंड के अंदर। तो चलो गाइस यार, जैसे कि भी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो इसका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड जो है चेंज कर लिया हूँ, तो ठीक है। तो अभी आप उस पेंसिल वाले आइकन में मतलब कि पेंसिल वाले आइकन में सिंपल यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना होगा। तो एंड की क्लिक कर देने के बाद अभी आपको सिंपल से सिलेक्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे फेस पर आपको यहाँ पर ये रेड मार्क रख देना होगा। देखिए इस टाइप इसकी साइज डिक्रीज कर इसकी आपको यहाँ पर ब्राइटनेस को अराउंड 70% तक रख देना होगा। देखिए नीचे अगर इसकी कॉन्स्टेंट को यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिक्रीज कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही फुल प्रोसेस है, आप अपने फुल बॉडी पर यहाँ पर आप कर दीजिएगा, यानी कि हैंड्स पर या सब बॉडी पर आपको यहाँ पर कर देना होगा। अगर आपको यानी कि यहाँ से दूर लग रहा है कि भाई यहाँ पर से तो भाई थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इस टाइप से आप जूम इन कर भी मेरे के कर सकते हो। वो भाई जूम इन कर एकदम भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा होता है। तो इस टाइप से पूरा का पूरा यहाँ पर आपको अपनी बॉडी को रिटच कर दीजिएगा। तो मुझे देना एक सेकंड, में पूरा का पूरा यहाँ पर इसको रिटच कर लेता हूँ। तो ऑल एंड राइट गाइस यार, जैसे कि भी आप स्क्रीन पर देख अभी भाई अभी देखना, जैसे कि भी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि इसका पूरा का पूरा मैंने फोटो यहाँ पर मतलब के फेस रिटच कर लिया। जैसे कि भी अभी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, तो अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। देंगे इस ब्रश वाले आइकन में सिंपल क्लिक कर देना होगा और सेचुरेशन और ब्रश को सिलेक्ट कर देना होगा। देंगे इस टाइप से जूम इन कर अपनी लिप्स को यहाँ पर मतलब इस टाइप से, जैसे कि भी आप यहाँ पर इस टाइप से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अपने लिप्स पर कर देना होगा। और जैसे आप सेचुरेशन को अप्लाई करोगे अपने लिप्स पर, देंगे आपके लिप्स जो है यहाँ पर रेड यानी कि पिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब हो ही जाएंगे प्रॉपर। तो सिंपल सिर्फ राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। देंगे अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देंगे इस डिटेल्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी यहाँ पर आपको इंक्रीज कर देंगे। नीचे अगर इसकी शार्पनिंग को भी थोड़ा सा अराउंड 20% तक इंक्रीज करके सिंपल यहाँ पर आपको राइट में जो है क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस यार, इतना काम कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे स्टेप फुल यहाँ पर नीचे का डबल एक्सपोजर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे अगेन गैलरी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। और अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आपको एक येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा। और टेंशन मत लेना, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस स्टाइल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा और इसको यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। फिर सिंपल मतलब सब्ट्रैक्ट में क्लिक कर देना होगा, सब्ट्रैक्ट समझ रहे हो। फिर सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। देंगे अभी अगेन ऊपर से लेयर वाले यानी कि इस लेयर भाई बोल रहा हूँ सॉरी, इसके लिए इस एडिट स्टैक वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे यहाँ से व्यू एडिट्स, व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सपोजर पर बीच में से ब्रश आपको ले लेने की। देंगे डबल एक्सपोजर की साइज अगेन आपकी 100 होनी चाहिए। फिर इस टाइप से जूम इन करके ये जो बीच में इसकी भाई पेनी हुई है ना, पता नहीं जो भी है क्लोसेस का, इसका कलर यहाँ पर आपको चेंज कर देना होगा, यानी कि ये येलो रख देना होगा ताकि हमारे कार से लाइन से प्लस में भाई पूरे का पूरे बैकग्राउंड से ये मैच हो पाए। तो मुझको देना फिर से एक सेकंड, में पूरा का पूरा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ।
तो ऑल एंड राइट यार, जैसे कि भी स्क्रीन पर देखी पा रहे हो इसका मैंने क्लोथ इसका कलर यहाँ पर चेंज कर लिया। ऑरेंज के सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना, ऑरेंज के ऊपर स्टील वाले आइकन में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना, ऑरेंज के विंटेज टी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर इसकी जो आउटर ब्राइटनेस है अराउंड 50-50% रखकर सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो ऑल राइट यार, जैसे कि भी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि आपका पूरा का पूरा फोटो यहाँ पर एडिट होकर तैयार हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा एडिट ही हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वाले एडिटिंग जरूर अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को जल्दी जाकर लाइक जरूर से कर देना होगा। बैकग्राउंड प्लस में ये जो येलो बैकग्राउंड था, मतलब कि येलो कलर था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।